सब्सक्राइब कीजिए हिस्टोरिकल इनलाइटेड फैक्ट्स को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ दीपक, आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल इनलाइटेड फैक्ट्स हिंदी में, एक सच्ची कहानी सच्ची जुबानी। यह ऐतिहासिक कहानी उस समय की है जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। यह घटना उस दिन की है जब बैसाखी के पर्व पर मेला लगा करता था और हमारे शहर में रूलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी। रूलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 18 मार्च 1919 में भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को उचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। यह कानून सर सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत राजकता और क्रांतिकारिक आपराधिक अधिनियम द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1990 था। इसीलिए इस एक्ट के विरोध में विद्रोह और प्रदर्शन प्रारंभ हो चुका था जिस कारण अंग्रेजों ने शहर में कर्फ्यू लगा रखा था। दरअसल यह कहानी उसी दिन की है जिस दिन जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था और यह सभा सतपाल और सैफुद्दीन जैसे नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में रखी गई थी। सभी दिन की तरह यह भी लोगों के लिए एक साधारण दिन था जो कि किसी को भी नहीं पता था कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में काला दिन के नाम से दर्ज हो जाएगा। बैसाखी का पर्व था और इसी दिन बैसाखी का मेला शहर में लगा था। इस दिन हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी फसलें काट कर इस मेले में शरीक होते थे। उसी दिन शहर में कर्फ्यू भी लगा था, फिर भी लोग भारी मात्रा में अपने परिवार वालों के साथ इस मेले में शरीक हुए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। जो भी लोग मेला देखने गए थे उनमें से ज़्यादातर लोग भारी मात्रा में लगभग 5,000 लोग सभा में पहुँच गए। जब नेता बाग में भाषण दे रहे थे तभी ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहाँ पहुँच गया। उस समय जलियांवाला बाग एक खाली मैदान हुआ करता था जिसमें अंदर घुसने का एक संकरा रास्ता था। बाकी पूरा मैदान मकानों से घिरा हुआ था जहाँ से निकलने का या भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। रेजिनॉल्ड डायर के सैनिकों ने पूरे बाग को चारों तरफ से घेर लिया और बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू किया। 10 मिनट में 1550 राउंड फायर किए गए। उस मैदान में भागने की कोशिश करने वाले जो दीवारों पर चढ़कर या मकान की दीवारों पर चढ़कर भागने का प्रयास कर रहे थे उनके शरीर खून से लथपथ जमीन पर मौत के घाट उतार दिए। 10 मिनट में 1550 राउंड फायर किए गए। उस मैदान में भागने के लिए कोई भी जगह नहीं थी तो भी लोगों ने घर की दीवारों को फांद कर भागने का प्रयास किया जिनके शरीर गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर गए। इनमें से जो भी लोग घायल थे शहर में कर्फ्यू लगे होने के कारण हॉस्पिटल नहीं पहुँचाए जा सके और वहीं तड़प तड़प कर मर गए। उस मैदान में एक कुआं था जिसको देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं की ओर भागे और एक एक करके उस कुएं में कूदने लगे, लेकिन देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है साफ शब्दों में कि 120 शव तो केवल कुएं से प्राप्त हुए। उस समय अंग्रेजी सरकार ने 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद हो जाने की बात स्वीकारी थी, जबकि अनाधिकारिक आंकड़े यह बताते हैं कि 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे जिसमें आदमी औरत और काफ़ी तादाद में 18 की उम्र से कम बच्चे शामिल थे, जिसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि 5 माह से भी कम थे। घटना में घायलों की संख्या का आंकड़ा 2,000 के करीब पाया गया था। इसके बाद मुख्यालय पहुंचकर जनरल डायर ने भूमिका बनाते हुए अपने ब्रिटिश ऑफिसर लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को टेलीग्राम करके यह बताया कि भारतीयों की एक फौज ने हम पर हमला किया जिस वजह से हमें गोली चलानी पड़ी। माइकल ओ डायर ने रेजिनॉल्ड डायर को टेलीग्राम करके जवाब दिया कि हाँ, तुमने जो भी किया सही किया। दरअसल जलियांवाला बाग की कहानी का असली पन्ना तो अब आप लोगों के सामने आएगा। सब्सक्राइब कीजिए हिस्टोरिकल इनलाइटेड फैक्ट्स को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहे। यह कहानी उस सिख क्रांतिकारी की है जिसने जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का बदला घर में घुसकर लिया था। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था
और इनके बड़े भाई का नाम मुक्ता सिंह था। जनरल डायर की करतूतों का बदला जिस अंदाज में लिया जाना चाहिए वो इस क्रांतिवीर ने अपने देश को करके दिखाया था। यह कहानी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह की है, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। उधम सिंह के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके कारण इनको और इनके बड़े भाई को अनाथ आश्रम का सहारा लेना पड़ा। सब कुछ ठीक ही हुआ था कि 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। इतना सब होने के बाद उधम सिंह ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और उन्होंने अनाथ आश्रम छोड़ दिया। अनाथ आश्रम छोड़ने के बाद उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने का निर्णय लिया। दरअसल जिस दिनांक यह घटना घटी उस दिन उधम सिंह वहाँ सबको पानी पिला रहे थे, काम कर रहे थे, और जब गोलियाँ चलनी शुरू हुई तब वह बाहर पानी लेने गए थे, जिसकी वजह से वो बच गए। उधम सिंह जलियावाला बाग में घटित घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। राजनीतिक कारणों से जलियावाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वो तिलमिला गए और उन्होंने जलियावाला बाग की मिट्टी उठाकर प्रतिज्ञा ली। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने कई नाम बदले और अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील, अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंच गए और वो 9 एल्डर स्ट्रीट पर रहने लगे। उन्होंने यात्रा के लिए एक कार खरीदी, साथ ही साथ अपना मिशन पूरा करने के लिए एक रिवॉल्वर और कुछ गोलियां भी खरीदी। भारत के यह क्रांतिवीर डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित समय का इंतज़ार करने लगा था। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाइयों और बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियावाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर भी भाषण देने वाला था। उधम सिंह उस दिन समय से उस बैठक में पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर को एक मोटी किताब के बीच में पन्नों को रिवॉल्वर के शेप में काट करके रिवॉल्वर को छुपा लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि डायर को मारने के बाद रिवॉल्वर को फिर से उसी किताब में छिपाया जा सके, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि डायर को मारने वाला हथियार कभी किसी को मिले। बैठक शुरू हो चुकी थी और वहाँ सभी नेता, गणमान्य व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हो चुके थे। उधम सिंह ने दीवार के पीछे पोजीशन ले रखी थी, बस उन्हें माइकल ओ डायर के आने का इंतज़ार था। जैसे ही माइकल ओ डायर को उड़ाने का उन्हें क्लियर शॉट समझ में आया, वैसे ही उन्होंने बिना गलती किए 2 राउंड फायर किया। पहले शॉट में उन्होंने डायर को गोली मारी ताकि वो मर जाए, और दूसरी गोली उन्होंने इसलिए चलाई ताकि उसे बचाने की कोशिश करने पर भी उसे बचाया ना जा सके। माइकल ओ डायर की तत्काल वही मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी, पर मुकदमा चला और 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी पाया गया। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई। विकी कौशल की आने वाली अगली फिल्म का नाम भी उधम सिंह है, जिसमें विकी कौशल ने मुख्य भूमिका में उधम सिंह का रोल प्ले किया है। इसे ज़रूर देखिएगा। इस महान क्रांतिकारी के लिए शत शत नमन, जिस माँ ने अपने पुत्र का नाम शेर सिंह ऐसे ही नहीं रखा था। आपको यह ऐतिहासिक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस ऐतिहासिक कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हिस्टोरिकल लाइट एंड फैक्ट्स से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।